थैंक यू वेरी मच। ओए गुरपाल, सत श्री अकाल, रहीम चाचा सलाम, बनवारी भैया राम राम, एंड हे राहुल हाउ यू डूइंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, शाहरुख खान वेलकम्स यू ऑल। देखिए केबीसी और हो जाओ माला माल। एक बार फिर टैक्स भरने का मौसम पूरी जवानी पर है, जिसे देखो बगल में फाइल दबाए सीए के चक्कर काट रहा है। वैसे जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस बार टैक्स रिटर्न्स भरना काफी सिंपल हो गया है, क्योंकि लेटेस्ट टैक्स फॉर्म में सिर्फ तीन मेन पॉइंट्स हैं। नंबर एक, आपने पिछले साल कितना पैसा कमाया। नंबर दो, आपने पिछले साल कितना पैसा बचाया। और नंबर तीन, जितना भी पैसा बचाया इनकम टैक्स को दे दीजिए। नहीं, आई एम सॉरी, दो नंबर का पैसा इनकम टैक्स को दे दीजिए। एंड दिस इज बाय ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो भैया, मेरी राय है कि 31 मार्च से पहले अपना इनकम टैक्स फाइल कर दें, अपना सर्विस टैक्स भी फाइल कर दें, वरना ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पीएस कृष्णमूर्ति साहब जो यहाँ पर हॉट सीट पर बैठे हैं, भागकर आपके घर में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 40,000 रुपए जीत रहे हैं और एक भी लाइफ लाइन आपने इस्तेमाल नहीं की है, और यहाँ पर हमारे साथ अपनी खूबसूरत धर्म पत्नी उषा के साथ आए हैं। उषा, आप स्माइल नहीं कर रही जैसा कल कर रही थी। ओके, अभी स्माइल कर दिया। कैसा लग रहा है उषा आपको यहाँ कर? बहुत अच्छा लग रहा है। गुड, यू फीलिंग नाइस? इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कृष्णमूर्ति साहब, आपका सातवां सवाल है 80,000 रुपए के लिए। आप रेडी हैं, रिलैक्स्ड हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे पैसे हमसे लेकर जाएंगे, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है। दुआ करें तो ले जाएंगे, लेके ही जाएंगे, लेके जाएंगे, छोड़े नहीं, क्या पता नहीं क्या है। ओके, मैं अपने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के कॉन्टेस्टेंट्स को भी बता दूं कि प्लीज आप भी हमारे साथ खेलें, क्योंकि अगर आप सही जवाब सबसे कम समय में देंगे तो आप भी यहाँ से 2,00,000 रुपए लेकर जा सकते हैं। ओके, लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। सातवां सवाल 80,000 रुपए के लिए, सारी लाइफ लाइन्स इंटैक्ट। मिस्टर कंप्यूटर, सातवां सवाल पेश किया जाए। बीजिंग एशियाड में शामिल होने के बाद से इनमें से किस में एशियाई खेल का स्वर्ण पदक हर बार भारत ने जीता है? ए हॉकी, बी कबड्डी, सी बैडमिंटन, डी गोल्फ। बी कबड्डी। कच्चा कच्चा? पक्का पक्का? पक्का पक्का। आप हर जवाब में पक्का पक्का हैं कृष्णमूर्ति साहब, मैं देख रहा हूं। फ्रीज कर दूं? ओके मिस्टर कंप्यूटर, बी कबड्डी, फ्रीज इट प्लीज। एंड एज ऑलवेज, बी कबड्डी इज द राइट आंसर मिस्टर कृष्णमूर्ति, वेल डन। 80,000 रुपए, चारों लाइफ लाइन्स अभी भी बाकी। Should we go on or you want to say something? सिर्फ खेलना चाहते हैं आप, सिर्फ पैसा, पैसे के बारे में? पैसे के बारे में नहीं, कहीं नजर न लग जाए, किसी के चार नजर न लग जाए, एक ही इसमें चारों चला जाए। नहीं नहीं जाएगा, ऐसा कैसे जाएगा? और नजर न लगे करके आंख बंद करके खेल सकते हैं हम सब ऐसा? ठीक है, कोई नहीं, नहीं नजर नहीं लगेगी। उषा जी हैं वहां पर, वहां से कर रही हैं कि नजर नहीं लगे, नजर नहीं लगे, देख रहा हूँ। नजर का टीका भी लगा के भेजा है आपको उन्होंने? नहीं भेजा? नहीं, नहीं। लगाया ऐसा ही है। भेजा है ना, भेजा ना? नहीं नहीं नहीं, यू आर राइट, आई एम राइट, सी सब मालूम है मुझे। आठवां सवाल है 1,60,000 रुपए के लिए। आर यू रेडी? यस। ओके सर, मिस्टर कंप्यूटर, 8th क्वेश्चन फॉर 1,60,000 पेश किया जाए। किस मुख्यमंत्री ने खादी को बढ़ावा देने के लिए 2006 में फैशन शो में भाग लिया था? ए नवीन पटनायक, बी शीला दीक्षित, सी वसुंधरा राजे, डी विलास राव देशमुख। वसुंधरा राजे, सी वसुंधरा राजे। सवाल सुनने से पहले ही जवाब दे देते हैं आप, फ्रीज कर दूं? कर दीजिए। तो एक बार ऊंची साहब बोलिए, फ्रीज कर दीजिए इनका लॉकर, फ्रीज कर दीजिएगा इनका नाम। ओके मिस्टर कंप्यूटर, सी वसुंधरा राजे, फ्रीज इट प्लीज। Yes, see, Vasundhara Raje is absolutely right. Good. 1,60,000. Meri ek tamanna puri kijiye, ye income tax officer se main informally mil sakun dare bina. Thank you.
Vasundhara Raje of Rajasthan walked the ramp to showcase the Khadi collection by international designer B.B. Russell at a fashion show held at Rambagh Palace in Jaipur in November 2006. आपको मालूम था? नवंबर में किया था पर डिजाइनर का नाम नहीं पता. अच्छा देखा था आपने? नहीं पेपर में देखा था. पेपर में अच्छे अच्छे लग रहे थे फैशन शो के कपड़े पहन के. अच्छे लग रहे के नहीं है, वैसे उसके बारे में न्यूज पढ़ा था. ओके न्यूज पढ़ा था. ऑलराइट. 3,20,000 रुपए के लिए नौवां सवाल है. सारी लाइफ लाइन इंटैक्ट है. मिस्टर कंप्यूटर दिस इज वेरी एक्साइटिंग. 9th क्वेश्चन फॉर 3,20,000 पेश किया जाए. किस मुगल कालीन मनोरंजन के साधन को इश्कबाजी कहते हैं? ए कॉक फाइटिंग यानी मुर्गों की लड़ाई, बी पिजन फ्लाइंग यानी कबूतरबाजी, सी घुड़दौड़ हॉर्स रेसिंग, डी पतंग उड़ाना काइट फ्लाइंग. स्टंप्ड. इश्कबाजी में आके थोड़े से आप स्टंप हो गए. उषा जी बहुत जल्दी जल्दी हंस रही हैं अभी. इश्कबाजी का नाम है. ऑडियंस पोल. कुछ आइडिया है आपको? बिल्कुल नहीं. ऑडियंस पोल. ओके मिस्टर कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम कृष्णमूर्ति साहब आस्किंग फॉर अ लाइफ लाइन. ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल उन्हें दिया जाए प्लीज. सवाल आप लोग सुन चुके हैं. किस मुगल कालीन मनोरंजन के साधन को इश्कबाजी कहते हैं? चॉइसेस हैं ए कॉक फाइटिंग, बी पिजन फ्लाइंग, सी हॉर्स रेसिंग, डी काइट फ्लाइंग. अपने पोल पैड्स पर ए बी सी डी दबाएं और कृष्णमूर्ति साहब की मदद करें. आपका पोलिंग का वक्त शुरू होता है अब. ऑडियंस के मुताबिक कॉक फाइटिंग 20%, पिजन फ्लाइंग 56%, हॉर्स रेसिंग 7% और काइट फ्लाइंग 17%. क्या लगता है इनफ नंबर्स हैं डिसाइड करने के लिए? नंबर्स तो है. आने वाला और भी मुश्किल हो सकता है. हो सकता है, कोई बात नहीं. लेकिन आप फ्लिप करना चाहेंगे? यस. मिस्टर कंप्यूटर कृष्णमूर्ति साहब दूसरी लाइफ लाइन फ्लिप द क्वेश्चन यानी अलट पलट का इस्तेमाल करना चाहेंगे.